भारत मैच हार गया क्योंकि अर्शदीप सिंह ने कैच छोड़ दिया, भारत मैच हार गया क्योंकि हार्दिक पांड्या ने लगातार शॉर्ट गेंदबाजी की और वो पिटते रहे, भारत मैच हार गया क्योंकि भारतीय बल्लेबाजी या कॉम्बिनेशन जो था वो सही नहीं था, ऋषभ पंत ने आकर खराब शॉट खेल दिया, वो आउट हो गए, सूर्य कुमार यादव नहीं चले, भारत मैच हार गया कि इस वजह से, भारत मैच हार गया उस वजह से, ऐसे एक्सपर्ट कमेंट्स जो हैं वो आपको निरंतर सुनने को मिलते हैं जब आप भारत पाकिस्तान का कोई मुकाबला देखते हैं और उसमें कोई भी एक टीम हार जाती है, कोई एक टीम जीतती है, तो दोनों साइड के जो एक्सपर्ट हैं वो आपको एक्सपर्ट कमेंट्स देते हैं। लेकिन वाकई आप सवाल पूछिए कि क्या वाकई हम उस वजह से हार गए हैं, भारत उस वजह से हार रहा है, और सबसे बड़ी बात यह कि अगर ऐसा ही है तो क्या आपने मान लिया था जब 18 ओवर खत्म हुए थे, क्या आपने मान लिया था कि भारत मैच हार गया? जब अर्शदीप ने कैच छोड़ा था रवि बिश्नोई के ओवर में जो कि 17.5 यानी 17.3 ओवर तब हुए थे, तब क्या आपने मान लिया था भारत मैच हार गया? और यही बेसिक कॉमन सेंस है कि आपने कब माना कि भारत अब यहां से मैच नहीं जीत सकता, आपने कब सोचा कि भारत कब नहीं जीत सकता, और यही एक सीधा पॉइंट है कि भारत इस वजह से नहीं हारा कि आप अर्शदीप से कैच छूट गया, भारत इस वजह से नहीं हारा कि हार्दिक पांड्या की गेंदों पर 44 रन पड़ गए, भारत इस वजह से नहीं हारा युजवेंद्र चहल की गेंदों पर 43 रन पड़ गए, भारत क्यों हारा और असली जो वजह है वो क्या है वो मैं बताऊंगा इस वीडियो में, और जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूंगा, ज्यादा समय नहीं। 17.3 ओवर, आसिफ अली का कैच ड्रॉप हुआ अर्शदीप सिंह से, लेकिन भारत को कितना क्या इक्वेशन था उस समय, 15 गेंदे 31 रन, ये इक्वेशन था। और क्या वहां पर आपने मान लिया था भारत हार गया? नहीं, भारत को आपने मजबूत स्थिति में माना जब हार्दिक पांड्या के उससे पहले वाले ओवर में 17वें ओवर में रिजवान आउट हो गए, तो भारत मजबूत स्थिति में आ चुका था, आसिफ अली और इफ्तिखार खुशदिल ये जब दोनों आए तो आपको लगा कि अब थोड़ा मुश्किल हो सकता है, नए बल्लेबाज है। तो जब आसिफ अली का वो कैच ड्रॉप हुआ तब इक्वेशन था 15 गेंद 31 रन, इसके बाद रवि बिश्नोई ने अच्छी गेंदबाजी की, अपने 4 ओवर में 26 रन दिए, 1 विकेट दिया, और उसमें उन्होंने अगली 5-4 गेंदों पर भी बहुत ज्यादा रन नहीं दिए, तो कुल इक्वेशन आ गया 2 ओवर 26 रन, 13 रन प्रति ओवर की औसत। अब यहां से जो आप क्रिकेट देखते हैं, जो मैं क्रिकेट जितना देखा हुआ हूं, जितना समझता हूं, खेला हुआ हूं, आपने भी खेला होगा, देखा होगा, समझा होगा, और क्रिकेट को शायद भारत में सभी समझते हैं। अब 2 ओवर में 26 रन, किस तरीके की गेंदबाजी होनी चाहिए थी आप मुझे बता दीजिए, जो आपके सबसे एक्सपीरियंस्ड गेंदबाज हैं उसको क्या गेंदबाजी करनी चाहिए जी, जो आपने सोचा यही जवाब है कि ब्लॉक होल में सीधा यॉर्कर स्ट्राइक करते रहना चाहिए, और अगर उसमें गलती हो जाती है और चौका इधर उधर जाता है कोई बात नहीं, क्योंकि आपने कोशिश की और आपने गेंदबाजी सही डाली। लेकिन जब आप इतने लंबे समय के बाद 2 ओवर में 24 रन चाहिए, मैं बॉल बाय बॉल आपको ब्यौरा दे रहा हूं, और अब आप समझ लीजिए कि क्या हुआ मैच में और कौन जिम्मेदार है। आप 36 तरीके की बातें कर सकते हैं, एक नए बच्चे पर आप दबाव डाल सकते हैं कि उससे कैच छूट गया, अरे वो खुद परेशान होगा उस समय में, लेकिन उसने जो गेंदबाजी की क्या उसकी कोई तारीफ कर रहा है? और बाकी जिस तरीके से युजवेंद्र चहल ने गेंदबाजी की या हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी की, आप सब भूल जाइए, क्योंकि अंतिम 2 ओवरों में भारत पर बढ़त थी, भारत जो था वो आगे था क्योंकि कोई सेट बैट्समैन नहीं था, और वहां पर सही गेंदबाजी होती तो भारत जीतता। लेकिन वहां क्या हुआ ये मैं आपको बॉल बाय बॉल जल्दी बता रहा हूं। पहली गेंद भुवनेश्वर कुमार की, छोटी गेंद डाली थी, शॉट डाली थी, लेकिन आउटसाइड द लेग स्टंप थी, बाएं हाथ के बल्लेबाज थे खुशदिल शाह, और वो वाइड करार दे दी गई, उनके बल्ले पर नहीं आई गेंद, लेग स्टंप के बाहर थी, वाइड, 1 रन मिल गया। क्या ये गेंद डालनी चाहिए थी, ये सवाल आप पूछिए। दूसरी गेंद सीधा ब्लॉक होल में, सीधा यॉर्कर भी गेंद, खुशदिल शाह या किसी बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं होता इस गेंद का, ब्लॉक होल को डग आउट किया, रोका, 1 रन भागे तेजी के साथ, 2 ओवर में 26 रन चाहिए थे, इससे बेहतर क्या कोई गेंद हो सकती है। नंबर जब इसके बाद जो अगली गेंद पर आसिफ अली है, और भुवनेश्वर कुमार ने क्या किया,
लेग कटर, स्लोअर बॉल, स्लोअर धीमी गति, जो पावर हिटर बल्लेबाज है, अगर आपने उसको स्विंग करने का मौका दिया आउटसाइड ऑफ ऑफ स्टंप के बाहर, लेंथ बॉल यानी कि बल्ले के नीचे टप्पा खाएगी गेंद जरा सा आगे, यानी कि पूरा मौका है आप उठा के मारिए। और आसिफ अली ने वही किया क्योंकि उनके आर्क में आई, वो उनको यही गेंदे चाहिए, उनका गेम नहीं देखा। मुझे लगता है कि जो क्रिकेट देखता है उसको भी पता है आसिफ अली क्या गेंदे हिट कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। बहरहाल ये स्लोअर डिलीवरी के लिए गए आउटसाइड द ऑफ स्टंप, लॉन्ग ऑन के ऊपर से 92 मीटर का छक्का लगाया आसिफ अली। इसके बाद वो दो और स्लोअर बॉल डालते हैं जिनमें से एक वाइड करार दे दी जाती है क्योंकि वाइड आउटसाइड द ऑफ स्टंप बहुत ज्यादा बाहर थी, वाइड लाइन के बाहर थी, वाइड दे दी गई। आप खुश हो ना खुश हो, वाइड बॉल थी। उसके बाद फिर एक आप स्लोअर बॉल डालते हैं, इस बार बल्ले का निचली किनारा लग गया वरना वो भी छक्का जाना था, तो आप फिर स्लोअर बॉल डालते हैं। आप इसके लिए हैं टीम में, आप अंतिम ओवरों में स्लोअर बॉल डालेंगे और बल्लेबाज को रोकेंगे, और कंटिन्यूअसली जो आपको यॉर्कर डालनी चाहिए थी कंटिन्यूअस, वो आप स्लोअर बॉल डाल रहे हैं लेंथ आउटसाइड ऑफ, बल्ला घुमाने का पूरा मौका के एज लगेगा और ऊपर जाएगी कैच मिलेगा। आप सफल हुए होंगे लेकिन मेरे विचार में इससे बुद्धिहीन गेंदबाजी मैंने नहीं देखी, और मैं इस पर बोलूंगा क्योंकि मैं आपको बताता हूं। उसके बाद खुशदिल शाह आते हैं स्ट्राइक पे, आप क्या करते हैं खुशदिल शाह को, आप खुशदिल शाह को शॉर्ट बॉल डालते हैं। आपको दो ओवर में 26 रन डिफेंड करने हैं तो आप स्लोअर बॉल डालेंगे एक पावर हिटर के लेंथ पर आउटसाइड ऑफ, आप ये गेंद डालेंगे कि आप शॉर्ट बॉल डाल दें बल्लेबाज को पाटा विकेट पे बिल्कुल सपाट पिच पर, जाहिर बात है स्क्वायर लेग और थर्ड मैन के फाइन लेग के बीच में से चौका पड़ेगा आपको, चाहे एज लगे चाहे बल्ले पे आए चाहे ना आए, बल्ले पे आएगी तो थोड़ा स्क्वायर बाउंड्री पड़ेगी। और उसके बाद अंतिम गेंद आप फिर वही डालते हैं, किसको, आसिफ अली को। खुशदिल ने एक और रन ले लिया, सिंगल ले लिया, क्यों ले लिया, क्योंकि वो गेंद पांचवी जो गेंद थी भुवनेश्वर की वो यॉर्कर थी, दो यॉर्कर दो सिंगल और बाकी स्लोअर बॉल पे आप देखिए क्या हो रहा है। लास्ट बॉल फिर आउटसाइड ऑफ आसिफ अली को और फिर एक कवर्स के ऊपर से उठाकर चौका मारा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। ये भुवनेश्वर कुमार जिनके बूते आप T20 वर्ल्ड कप जीतने के सपने देख, तो आप ये समझिए कि भुवनेश्वर कुमार एक बहुत सीनियर गेंदबाज हैं, और इतने सीनियर गेंदबाज को क्या ये नहीं पता, मैं किसी माइंडसेट पे, आपने एक प्लानिंग की होगी, लेकिन ये जिसने भी प्लानिंग की है मेरी समझ से बिल्कुल परे, एक सपाट पिच पर जहां पर गेंद बल्ले पर आ रही है वहां पर आप स्लोअर डिलीवरीज डाल रहे, कोई फंस के गेंद नहीं आ रहा है वहां पर, आप बल्लेबाज को सरप्राइज करना चाह रहे थे, तो माफी चाहूंगा, ये खराब सोच, खराब गेंदबाजी, और इसी की वजह से भारत ये मैच हार गया, क्योंकि 19वें ओवर में आपने अपनी बेकार गेंदबाजी के जरिए 19 रन दे दिए। जब मैच का 18वां ओवर पाकिस्तानी पारी का खत्म हुआ तो पाकिस्तानी समर्थक जो होंगे उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि यार अभी मैच खत्म नहीं हुआ, पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, और भारतीय जो समर्थक हैं उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि भारत ने मैच पे पकड़ बना ली है। और जब पहली यॉर्कर पड़ी थी भुवनेश्वर कुमार की तो भी ऐसा ही लगा होगा, यानी 11 गेंदों पर तब 24 रन चाहिए थे, और उसके बाद जो भुवनेश्वर कुमार ने कोई जिद पकड़ ली, कोई ब्रेन फेड हो गया, कोई माइंड ब्लॉक हो गया कि सिर्फ स्लोअर बॉल डालनी है, वो भी आसिफ अली को। आपको विकेट मिल गई होगी एक बार, आपको दो ओवर में 26 रन चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको विकेट नहीं लेनी है, आपको सीधा ब्लॉक होल में बॉल डालनी है, कोशिश करनी है यॉर्कर की, लोअर फुल टॉस भी जाती है तो उसको भी चौका मारना आसान नहीं है अगर कोई स्कूप नहीं खेलता सूर्य कुमार यादव की तरह। तो मेरे विचार में ये खराब गेंदबाजी थी, 19वें ओवर की वजह से हम मुकाबला हार गए, और T20 वर्ल्ड कप में अगर आप भुवनेश्वर कुमार के भरोसे जा रहे हैं तो मैं माफी चाहूंगा, वो बहुत अच्छे गेंदबाज हैं लेकिन वो स्लॉग ओवर स्पेशलिस्ट नहीं है आपके, इस बात को समझ लीजिए। आप उनसे शुरुआत में ओवर करवा लो, मिडल ओवर्स में डलवा लो चार ओवर, अंत में आप उनसे हिटिंग, जब वो हिट के लिए जा रहे हैं वो आप सोच रहे हो कि स्लोअर बॉल डालेंगे, और आप पहली जब पारी हो तब आप उनसे डलवा लीजिए, चेज में मत डलवाइए, क्योंकि फिर ऐसे ही भारत हारेगा मैच, और फिर आप वजहें ढूंढेंगे, किसी अर्शदीप सिंह को पकड़ेंगे कि कैच छूट गई, किसी
हार्दिक पांड्या को पकड़ेंगे कि लगातार वो शॉर्ट बॉल क्यों डाल रहे थे। ठीक है वो तो खराब गेंदबाजी थी, लेकिन आप ऐसी वजह ढूंढेंगे, युजवेंद्र चहल को ढूंढेंगे कि उन्होंने 43 रन पड़वा दिए, आप ऋषभ पंत को ढूंढेंगे कि दिनेश कार्तिक को क्यों बाहर कर दिया, ऐसी आप वजह ढूंढेंगे, लेकिन वजह असली यही है और वहां से हम मैच हार गए। अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो, इत्तफाक रखते हो और ऐसे ही वीडियोस और चाहिए बिल्कुल यूनिक कंटेंट के साथ, तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए और लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।